नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइनांस आईडी से बाइनांस आईडी को यूएसडीटी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको एक बार ट्रांसफर करके भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ कि आप भी ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि मैंने एक जो काम करवाया था कोर्स लिया था मैंने किसी जो है आदमी से और उसको मैंने 100 USDT पे करने थे और उसमें जो बैंक का ऑप्शन नहीं था तो उसने मुझे बाइनांस आईडी भेजी और मैंने उसको जो बाइनांस आईडी से पैसे ट्रांसफर किए। बट वो जो आदमी था वो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ था तो इसलिए बाइनांस आईडी से ट्रांसफर करना ही मेरे लिए बेस्ट था और उसको जो पैसा वो एक मिनट के अंदर अंदर मिल गया। तो आप भी ऐसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ है जो दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की लाइव स्क्रीन पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे या बाइनांस आईडी से दूसरी बाइनांस आईडी में क्रिप्टो या यूएसडीटी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे जो बाइनांस आईडी में ऑलरेडी यूएसडीटी 100 है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद मैं मोर सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। मोर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहां पर पे का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना और सेंड पे क्लिक कर देना। दोस्तों सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर ईमेल आईडी, फोन नंबर या फिर बाइनांस आईडी। मेरे पास बाइनांस आईडी है तो मैं बाइनांस आईडी यहां पर फिल कर दूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर जो ब्लैक आ रहा है क्योंकि यहां पर वो जिसको मैं पैसा सेंड कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स हैं तो इसलिए बाइनांस से जो शो नहीं कर रहा है तो उसको कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने बाद आपके सामने जैसा ऐसा आ जाएगा, कन्फर्म करेंगे यहाँ पर और कन्फर्म करने के बाद दोस्तों मैं दोबारा फिर चेक करूँगा पेमेंट जो सही जा रही है तो उसके बाद मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और मेरा पासकोड है जो बाइनांस है जो मांगेगी, जो वेरिफिकेशन है वो मांगेगी, वो अपने वेरिफिकेशन फिल कर देनी है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे 100 USDT है जो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो मैं एक आपको और पेमेंट करके दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके जो आप जिसको भेजने हैं उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और बाइनांस आईडी है जो फिल कर दी है। जैसे मैं बाइनांस आईडी फिल करूँगा यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो बाइनांस पहले जो छुपा रही थी मैं आपको अभी फिर दिखा देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा मैं अमाउंट है जो एंटर करूँगा, कितनी अमाउंट चाहिए मुझे USDT सेंड करना है या क्या सेंड करना है। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर उसको 25 USDT सेंड करूँगा। जैसे ही मैं सेंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आदमी का नए नेम आ रहा है और उसकी आईडी आ रही है, उसकी कंट्री आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये इसको ही मैंने सेंड करनी है। तो जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा कन्फर्म, कन्फर्म करने के बाद मैं जहाँ पर लिखा होगा कन्फर्म पेमेंट उस पर क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन जो पास की डाल दी है। तो आप चेक कीजिए, जैसे चेक करेंगे यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल आ गया। मैं स्क्रीनशॉट अभी जो दूसरा आदमी है उसको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।